खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। हफ्ता वसूली के तीन अलग अलग मामलों में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई इकबाल कासकर इन दिनों गंभीर बीमारियों से त्रस्त है। बाकायदा अब कासकर को इलाज के लिए बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, इस मांग को लेकर इकबाल के वकीलों ने थाने न्यायालय में याचिका दायर की है। कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले डॉन दाऊद इब्राहिम का ये छोटा भाई इकबाल कासकर, जिसे जनवरी 2018 में तीन अलग अलग हफ्ता वसूली के मामले में थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब से यह थाने जेल में बंद है। और जब थाने न्यायालय में इसे सुनवाई के लिए लाया गया, तब आप देख सकते हैं दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ रही है इसे चलने के लिए। इनके वकीलों का दावा है गिरफ्तारी के बाद से ही कासकर काफी बीमार गंभीर है, उसे उचित इलाज नहीं मिल रहा है, अतः कासकर का इलाज बड़े सरकारी अस्पताल में कराया जाए, ऐसी याचिका उन्होंने थाने न्यायालय में दाखिल की है। देखिए, इकबाल कासकर को उनको पहले से ही डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और अभी उनके पाँव में भी तकलीफ हुई है, सूजन आई है और सेल्यूलाइट की जो प्रॉब्लम है, तो पाँव में पस जो जमा होता है वो जमा हुआ है, तो उनकी वजह से वो चल नहीं पाते, बिना सहारे के तो चल ही नहीं पाते वो। और हाँ, इसलिए हम लोग ने 27 तारीख को अर्जेंट में उनके लिए एप्लीकेशन की थी कोर्ट को। कोर्ट इतने दिन छुट्टी पे था, तो हम लोग ने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि उनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और इनका बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ था, पाँव पूरा सुम हो गया था, तो चल भी नहीं पा रहे थे, तो हमने कोर्ट को हमने ऐसा रिक्वेस्ट किया, दरखास्त की कि इनको कल को कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए कोर्ट ने क्या मेडिकल रिपोर्ट ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया, और मेडिकल ऑफिसर ने एक रिपोर्ट फाइल की। उस रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर ने स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि उनको इतना जो तकलीफ है ऑलरेडी, जो उन्होंने लिखा है डायबिटीज है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनको लीवर का प्रॉब्लम है, और उनको ब्लड प्रेशर है, और उनके पाँव में जो सेल्यूलर सूजन आई है उसका प्रॉब्लम है करके उन्होंने दिया। और उसमें उन्होंने लिखा है कि इनको जेल के अंदर में जो डॉक्टर है वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उनकी, इसलिए उनको कोई किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, जे उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है, जे सेंट जॉर्ज थाना सिविल, ऐसे बड़े हॉस्पिटल में उनको लेके जाके उनकी जांच कराने की आवश्यकता है करके उन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया है। और उन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि इसके पहले भी इन्होंने जेलर को बोला था, लेकिन जेलर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और हमारे एक एप्लीकेशन इसके पहले के थे, तो उसने एक ऐसा इतना बोलते ना हंसने वाला कारण दिया कि गार्ड नहीं है, एक दिन तुम्हारे पास गार्ड नहीं है, तो बाकी के दिन तो उन भेजे क्यों नहीं, इसलिए वो रीज़न देखे उन्होंने कि हमारे पास सफिशिएंट गार्ड नहीं है, या पुलिस इतने प्रशासन नहीं है उतना, तो वो वैसा उत्तर दिया था लास्ट टाइम पे, इसलिए हमने वापस एप्लीकेशन किया है। उनके लिए कंटेम का नोटिस इशू करने के लिए हम लोग ने कोर्ट में अर्जी किया है, तो कोर्ट आज उसमें ऑर्डर करेगा। और इसके पहले रमज़ान में कि एक महीने के लिए हमको होम फूड की हमने दरखास्त की थी कोर्ट को, तो कोर्ट ने मंजूर की थी, और उसमें ऐसा भी नहीं लिखा था कि आप जेल अथॉरिटी डिसाइड करें, उसमें स्पेसिफिक लिखा था कि देंगे आपको उनको एक महीने के लिए देने के लिए, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर हमने जाके वहाँ पर पर्सनली मैं और ये मतीन, इन्होंने जाके वहाँ के प्रशासन को पूछा, तो एक तो हम ऑफिसर से हमको मिलने नहीं दिया, और जो कांस्टेबल आके बाहर हो उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और हम लोग नहीं देंगे खाना, आप जाओ हम कोर्ट को लिखेंगे। अभी तक वो उन्होंने कोर्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का ये नहीं लिखा लेटर कि भाई क्यों नहीं दे रहे, और उसका कारण नहीं दिया है। तो अभी अंदर क्या दिया था वो जेल प्रशासन को मालूम, लेकिन हम लोग ने बोला था जो स्पेसिफिक जो बाजी रोटी सब्जी जो है, हमने कोई स्पेशल डाइट का भी डिमांड नहीं किया था, कि जो भी है बाबा घर का सिर्फ एक माने घर का खाना। और हमने एक जो उनके रिलेटिव्स है उनको भी उनका एक एफिडेविट जमा किया था कि भाई जो भी है
हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे करके हमने कोर्ट को भी बोला था, उस हिसाब से कोर्ट ने मानने के हमारी मिनती को और आदेश दिया था। तो उस आदेश का भी कुछ नहीं किया, तो उसे कंटेम हम लोग ने फाइल किया था, तो कंटेम का आज ऑर्डर होगा। कोर्ट ने बोला हम ऑर्डर कर रहे हैं, और मेडिकल का तो आज उनको भेजने के लिए ऑर्डर करने वाले हैं।